हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्या मस्करे ब्लॉग्स। और आइए मैं आपको आज टाटा नगर जंक्शन के बारे में बताती हूँ और टाटा नगर जंक्शन में जो रिटायरिंग रूम है उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, ये लॉबी है ना, आप ये फ्रंट है, यहाँ से हम इन करते हैं और यहाँ ये इतना बड़ा लॉबी है, बहुत लंबा है। और ये लाइन से यहाँ रूम्स है, आपको दिख रहे होंगे रूम्स। और फाइनली चलिए अब हम अपने रूम में एंटर करते हैं। तो ये मैंने रिटायरी रूम, ये वाला रूम बुक किया है और मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे हमें बुकिंग करना है ना। तो चलिए आइए पहले रूम के बारे में देखते हैं। ये LED है, ये मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और टीवी के स्विच से यहाँ पे। ये काउच है, ये कबर्ड दिया हुआ है, ये मिरर है, ये AC रूम है, चेयर्स है, सेंटर टेबल है, ये बेड है, दो पिलो है और साइड में भी हमें चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और देखिए नीचे जो मैट लगा हुआ है जो इस रूम के लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है, अच्छा लग रहा है। और वॉल देख लीजिए, दीवार इतनी अच्छी है, ग्रीन कलर है और फैन है यहाँ पे। और मैं वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये वॉशरूम है, यहाँ गीजर लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स आपने देखा रूम कितना अच्छा है, कितना डेकोरेटेड है और बहुत सुंदर है। आराम से यहाँ हम रह सकते हैं और मैंने बुकिंग किया है 6-6 घंटे के लिए। आप 3 घंटे के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं, तो मैंने इसे 6 घंटे के लिए बुकिंग किया है। और ये जो 6 घंटे भी है, 12 घंटे भी है, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए आपके पास PNR नंबर होना ज़रूरी है और जो PNR नंबर होना चाहिए वो कन्फर्म टिकट का होना चाहिए। और आप IRCTTourism.com में जा करके आप अपना रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। और रिटायरिंग रूम दो जगह से बुक किया जा सकता है, जहाँ से आपका सोर्स है आने का, ट्रेन से। मान लो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, जैसे आप न्यू दिल्ली से टाटा नगर आ रहे हैं तो टाटा नगर में भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं उसी PNR में जिसमें आपका कन्फर्म टिकट है। और दूसरा उसी PNR से न्यू दिल्ली में भी आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं रिटायरिंग रूम में। लेकिन उसी PNR से दो जगह आप टिकट बुक नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखिए और आप साथों साथ मेरे साथ रूम देखते चलिए। बहुत अच्छा रूम है, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छा माहौल भी है, शांति है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूरी में रूम मिलना चाहिए। और मुझे ये रूम लेने के साथ एक पानी की बोतल और एक साबुन, वो भी साथ में मुझे दिया गया था। और तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप आइए एक बार, ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत अच्छा रूम है, बहुत क्लीन है, एकदम अच्छा लग रहा है, शांति फील हो रहा है, एकदम होटल जैसा ही लग फील हो रहा है। और नीचे कृष्णा जे करके एक, आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे सब खाना पीना अवेलेबल है। तो आप यहीं से, ये फर्स्ट फ्लोर में है रिटायरिंग रूम, आप जस्ट नीचे जा करके आपको यहाँ पे खाने पीने की भी किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप प्लीज़ एक बार विज़िट कीजिए। तो आइए आप एक बार फिर से रूम देख लीजिए, बहुत अच्छा रूम है। तो प्लीज़ आप एक बार विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आ सके और आप अच्छे से इस रूम का आनंद ले सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
तो आपने देखा मेरे साथ, ये रूम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, शांति है, पीसफुल है, जैसा आप सभी चाहते हैं। और आपने इस रूम के बारे में अभी देखा, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हूँ। तो आप प्लीज़ एक बार टाटा नगर आइए, विज़िट कीजिए, और मैं आगे जहाँ भी मैं रिटायरिंग रूम में रुकूँ आगे मैं बताते रहूँगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।